हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुरेंद्र सर ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले हैं पोहे का एक बहुत हेल्दी नाश्ता। तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसको अपने भाषा में मुढ़ी बोलते हैं, जो कि और इसको पोहे भी बोला जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से एक पानी से वाश कर लेंगे। वाश करने से अच्छा होगा, थोड़ा नरम हो जाएगा, टूटेगा भी नहीं, इसलिए इसको पानी में डुबो कर हम वाश कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम वाश करके एक दूसरे बॉल में छान के रख देंगे, ताकि इसका जो पानी है एक जॉप में होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। मुढ़ी लंबा लंबा है, टूटेगा भी नहीं, इसलिए इसी तरीके से आपको हल्के हाथ से प्रेस करके पानी निकालना है। चाहे तो आप जाली में भी छान के इसको 2-3 मिनट रख सकते हैं। हमने इसको हाथ से पानी निकाल के रखे हैं। और इसके बाद कुछ हम वेजिटेबल ऐड करेंगे। बारीक किया हुआ मैंने प्याज यहाँ ऐड कर रहे हैं। प्याज ऐड करने के बाद हमें बीन्स ऐड कर रहे हैं, ग्रीन बीन्स है आप अगर ऐड कर सकते हैं। और ये गाजर है। गाजर ऐड करने के बाद हम ग्रीन चिली स्पाइसी के लिए ऐड करेंगे। अगर आप वेजिटेबल पसंद नहीं है तो हम नहीं डाल सकते हैं। और ये मैं बेसन डाल रहे हैं, जो कि बेसन डालने का रीज़न है कि ये स्नैक्स में बैंडिंग होगा, इसलिए हम आलू नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हम बेसन डाल रहे हैं। और स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा गरम मसाला और धनिया और जीरा का पाउडर, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, ताकि मसाला थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में अगर वेजिटेबल है। और थोड़ा धनिया पत्ता डालें, धनिया पत्ता का खुशबू अच्छा लगता है, इसलिए धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे भुरभुरे। अगर ज़्यादा भुरभुरे है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा छिट्टा मारकर, ताकि ये बैंडिंग करेगा। अगर देखिए कुछ इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, हल्के बूंद मारकर पानी का। और ये मेरा रेडी हो चुका है। हम इसको एक से टिक्की बनाएंगे इसको इसी प्रकार। अगर आप टिक्की नहीं तो डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसको गोल भी बना सकते हैं, लेकिन हमको टिक्की जैसा बनाना है। तो मैं इसको नॉर्मल फ्राई करेंगे हल्का, तो इसी तरीके से हम गोल कर लेंगे। कितना अच्छा देखिए बैंडिंग पकड़ लिया, थोड़ा पानी छिट्टा मारने से और बेसन डालने के बाद। तो ज़रूर आप इसी तरीके से ट्राई करिएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा, कम समय लगेगा आपको ये बनाने में। देखिए इसी तरीके से प्रेस करिएगा, क्योंकि वेजिटेबल कच्चा है तो आपको ज़्यादा मोटा नहीं रखना होगा, कच्चा रखना होगा, ताकि वेजिटेबल भी आपका पके। हमने कच्चा वेजिटेबल का इस्तेमाल किया इसमें। आप अगर चाहे तो बॉईल करके भी डाल सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। और हमको इसको पकाने के लिए 5 से 6 मिनट लगेगा। देखिए कुछ इसी तरीके से गोल करके और उसको चिपटा कर लेंगे। देखिए अब मेरा यह हो चुका है। इसी प्रकार से आप ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत हेल्दी और बहुत कम समय में बन जाएगा। तो मैं 6 पीस बनाया एक पोर्शन अपने रेस्टोरेंट के स्टाइल में। देखिए और इसको एक पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसको चारों तरफ से थोड़ा नॉन स्टिक बना लेंगे, ताकि इसमें चिपके ना। और ज़्यादा तेल रहेगा तो डीप फ्राई हो जाएगा, इसीलिए हमने कम तेल में फ्राई कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा डीप ना हो। तो आप ज़रूर इसी तरीके से करिएगा, एक एक करके डालिए और बहुत जल्दी बन जाएगा ये रेसिपी। ज़्यादा हीट में नहीं डालना है ना, मूरी ऊपर का जो है वो जल जाएगा और सब्ज़ी कच्चा रह जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम में आपको पकाना पड़ेगा 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यू। मीडियम टू लो फ्लेम में आपको रखना पड़ेगा। देखिए कितना शानदार है दिखने में और खाने में तो लाजवाब है, ज़रूर आप ट्राई करिएगा इसको। और इसी तरह देखिए कलर भी अच्छा आ रहा है। नहीं नहीं मैं क्या करता हूँ, नहीं मैं कैसा आदमी हूँ, अच्छा आदमी नहीं है। नहीं नहीं क्या आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी रेसिपी आप लोगों के पास। अभी मेरा रेडी हो चुका है, एक बाउल में हम खाली कर लेंगे प्लेटर में। 5 मिनट लगा, मैं रेस्टोरेंट में बंद होने का टाइम है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और मेरा बनकर रेडी हुआ। अगर ये वीडियो आपको लोग का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। तो आप मैं इसको खाली कर लूँगा एक प्लेटर में, और प्लेटर में आप ग्रीन चटनी या तो टोमेटो सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, हर चीज़ के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कुछ इसी प्रकार से हम खाली कर लेंगे एक एक करके, और उसके बाद मैंने ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। कितना शानदार कलर आया, अगर आप जिसको खिलाओगे वो दीवाने हो जाएंगे। बहुत कम खर्चे में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका स्नैक्स बनकर रेडी हो गया घर पे बहुत आसानी से।
आप इसको कंकड़ी मुड़ी भी बोल सकते हैं, क्रिस्पी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपका नाम कुछ भी दे सकते हैं, बहुत आसानी से बन गया। हेलो गाइस, सुरेंद्र सेठ के ब्लॉग में चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है, ताकि मैं भी आगे ग्रो हो सकूँ। मेरा चैनल जरूर पसंद आया तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो आप लोग के पास बहुत जल्दी आ सके।